बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए 5 मिनट में 50 से भी ज़्यादा समोसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी समोसे। ये देखिए आप इसकी क्रिस्पनेस देखिए, बिल्कुल मार्केट से कम नहीं लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर 150 ग्राम मैदा लेंगे, 1.25 कप है ये। इसको हमने छान के लिया है। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, गैस नहीं बनती और मैदा हमारा इजी से डाइजेस्ट हो जाता है। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इन सबको हमें पहले अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से मसल मसल के मिलाएं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम सख्त लोट बांध के तैयार करेंगे और 3 बड़े चम्मच पानी के अंदर हमने इसे गूंद के तैयार कर लिया है। ये देखिए ये इतना कड़क है। गीले कपड़े से ढक के और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसालों को कूट लेते हैं। इसके लिए हमने 4 से 5 लौंग लिए, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च। ये सबको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं, लेकिन दरदरा पीसें। और ये हमने इसको इस तरीके से कूट लिया। ये देखिए एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। हमने जो मसाले कूटे थे ना वो 2 टीस्पून डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, और इन सबको हमें बराबर से तड़का लेना है। फ्लेम को एकदम स्लो करके कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। समोसे थोड़े चटपटे होते हैं ना तो ये अच्छे लगते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसके बदले में नींबू के फूल या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून क्रश अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है और कुछ सेकेंड के लिए यानी 8 से 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। 1 कप के लगभग उबले हुए मटर ऐड करेंगे और मिला लेते हैं और इसको हल्के हल्के से दबा के और कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। 4 उबले हुए आलू को हमने बारीक मैश कर लिया, ये ऐड करेंगे। और अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। इस स्टेज पर आप मसाले वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम लगे ना आप और डाल दें। वैसे ये परफेक्ट मसाला है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा खट्टा। और आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप मीठा पसंद करते हो तो। और ये हमारी मसाले की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। कुछ देर के लिए हमें इसे मत लेना है और इसके 2 पोर्शन कर लेंगे और 2 के 4 इस तरीके से। लोई बनाएंगे और इसे हमें बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना सेम वैसा बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसके 8 भाग कर लेते हैं। पहले हम आधा करेंगे,
अब हम इसका भी आधा करेंगे। अब इसका आधा, और इसका भी आधा। और ये हमने इसके 8 पार्ट कर लिए। एक एक चम्मच फिलिंग रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले किनारियों पर हल्का सा पानी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगा दें। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कोने हैं ना इस तरीके से उठाएंगे, ये देखिए, इधर से भी उठाने हैं। और फिलिंग को अंदर इस तरीके से दबाते हुए यहाँ से सील कर दें, ये देखिए। अब ये कोना उठाएंगे और इसको यहाँ पर पीछे लाके पैक कर देंगे। और ये आजू बाजू से जो खुला है ना, इसे भी हम सील कर देते हैं। और ये देखिए, हमारे मिनी समोसे बनके तैयार हो गए। और ये देखिए, हमने सारे समोसों को बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर समोसों को डालेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर किस तरीके का है, हल्के हल्के से इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, लेकिन अभी हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एक दो मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इसे पलट लेते हैं। इसको फ्राई होने में लगभग 8-10 मिनट लगेंगे। और ये हमने सारे समोसों को फ्राई कर लिया है, ये देखिए दिखने में कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। इनको हमें निकाल लेना है। और ये हमारे 5 मिनट में 50 समोसे बनके तैयार हुए। दिखने में कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म है। आप भी इस तरीके से इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।